हम लोग आज एक नया क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 रिवीजन का, कुछ क्लास 9 का है क्वेश्चन नंबर 9 रिवीजन 1 0.81 बार। तो इस 81 बार को पी बाय क्यू फॉर्म में लाना है हमें। ये वहां फॉर्म जो है इसे हम लोग को पी बाय क्यू फॉर्म में लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, चलो मैं दिखाता हूँ। मैं पहले करके रख चुका हूँ, तब मैंने वीडियो नहीं किया था, मैं बस दिखा दे रहा हूँ। लेट एक्स बी 0.81 बार। एक्स का मतलब हम लोगों ने इसे पकड़ लिया, लेट एक्स बी इक्वल टू 0.81 बार। नाउ एक्स इक्वल टू, वी कैन रिपीट दिस नंबर एज बिकॉज on 81 bar has given, it means this 81 is repeated, so 0.81 81 81 continues, you can increase it, जितना भी तुम्हें ले जाना है ले जा सकोगे। उसके बाद क्या है, next नियम है कि इन दोनों को multiply करना है 100 से। फिर एक सवाल हुआ सर कि 100 से ही क्यों इन दोनों को multiply करना है, क्योंकि ये जो decimal है इसका जो place है, इसका जो प्लेस है वो 100 में है, मतलब 1 10 100। तो इसलिए हमने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 into x 100x एंड 100 into this number यू विल गेट दिस नंबर। सो दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2, आफ्टर गेटिंग दिस टू इक्वेशन नंबर 2 and 1 वी नीड टू माइनस, टू इक्वेशन से 1 को माइनस करना है। तो देखो 100x - x, this number minus this number, so 100x - x it will be 99, and this minus it will be 89, so x this 99 will go to downside, 3 9 9 9 11 99, so x we got 9 by 11। देखा, तो मैंने पहले ही कहा था कि इस नंबर को ये फॉर्म में लाना है, और ये देखो ये नंबर क्या आ गया 9 by 11। पहले था x 0.81, x 9.11। तो इस तरह से हम लोगों को इस तरह का सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो थैंक यू।